Good morning, everyone. Honorable guest, Mr. Keval Chanji, the First Lady of Central Academy, Mrs. Padma Mishra, the principals of different branches from Jodhpur, and the most important guests, the grandparents, the great-grandparents, and the parents. Thank you very much for taking out time for your small kids. अभी-अभी हमने देखा कि कुछ guests को छोटे-छोटे नन्हे-मुन्हे पौधे भेंट में दिए गए। उन पौधों को जब आप लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि माली का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। आप उस छोटे से पौधे को अगर जंगल में लगा दे, तो वो जंगल में एक वृक्ष की तरह उगेगा। लेकिन अगर माली उसका ध्यान रखेगा, तो वो बहुत सुंदर वृक्ष के रूप में आएगा और बहुत फल देगा, जो कि हर माली की इच्छा होती है। सेम हम अगर सेंट्रल एकेडमी हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव मिश्रा फैमिली, जिन्होंने छोटे-छोटे पौधों को माली के रूप में सींचा और आज आप देख रहे हैं इसकी कितनी शाखाएं सेंट्रल एकेडमी की पाली, जोधपुर और कई जगह इस देश में चल रही हैं। हजारों लाखों बच्चे सेंट्रल एकेडमी से पढ़कर चले गए। जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस माली के रूप में अगर हम उसको सींचेंगे, तो वो खाली एक इंसान से नहीं होने वाला है, सबको उसका साथ देना होगा। हमको अपना बीड़ा खुद उठाना होगा, सब मिलकर हम करेंगे तभी ये संभव है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना हो। अभी जैसा आपने सुना, किसी भी बच्चे की पहली शिक्षा परिवार से आरंभ होती है। अगर हम अच्छे संस्कार परिवार से देंगे, उसके बाद स्कूल का रोल शुरू होगा और तब टीचर उसके अंदर अपने गुण, अपनी शिक्षा को डाल पाएगा। अगर हम घर पर बच्चे को कहें, कोई बात नहीं बेटा, स्कूल में लेट जाएंगे तो चलेगा। अगर हम कहेंगे, कोई बात नहीं बेटा, आप यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे हैं, चलेगा, तो ये चीजें स्कूल नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि ये घर से शुरुआत होगी। आपने देखा होगा, कई बार हम लोग कई कारणों से बच्चों को छुट्टी भी दिलवाते हैं। अगर जेन्युइन रीजन है, आप छुट्टी दिलवाएं, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम्स अगर हमने बच्चों को छुट्टी दिलवाई, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, ये सारी की सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहीं से शुरू होती है। हर चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है और कितना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ये हम सबको देख कर चलना होगा। आज यहाँ आने के बाद पाली में आपने पहले भी फंक्शंस देखे होंगे, आज का फंक्शन भी आपने देखा, ये छोटी सी शुरुआत ग्रेजुएशन की। हम सबने सुना था कि जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उस समय हम ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन समय बदल गया, ये एक नई चीज है। प्री प्राइमरी से नॉर्मल स्कूलिंग में आने का जो जंप है, इसको भी आजकल ग्रेजुएट्स के रूप में लिया जाता है, और एक बच्चा बड़े गर्व से उसको महसूस करता है और इस सर्टिफिकेट को लेके जाएगा और कहेगा, हम भी ग्रेजुएट हो गए। और दादा दादी, पापा मम्मी हमेशा गर्व महसूस करेंगे, अब हमारा बच्चा प्री प्राइमरी से नेक्स्ट स्टेप में आया। अपनी अपनी जरूरतें, पहले के जमाने में जब हम पौधा लगाते थे, तो हमारी खाद अलग होती थी। आज जब हम पौधा लगाते हैं, तो खाद अलग हो गई। पहले वाली को हम मैन्योर बोलते थे, आज हम उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। जरूरतें समय के हिसाब से बदलती है, द टाइम चेंजेस एंड दैट्स द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जरूर पिछड़ जाएंगे। इसी तरह शिक्षा प्रणाली, पहले जमाने में शिक्षा की जरूरत कुछ और थी, आज शिक्षा के लिए जरूरतें कुछ और हैं, और सेंट्रल एकेडमी वचनबद्ध है कि आपके बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन दी जाए, ताकि आज नहीं, जब वो 15 साल के बाद एजुकेशन कंप्लीट करके यहां से निकले, तो उस समय के चैलेंजेस को फेस करने के लायक उनका व्यक्तित्व बनाया जाए, ताकि वो कहीं पीछे ना रह जाए। आप और हम आज की एजुकेशन को देख रहे हैं, अगर आज बैठकर हम 15 साल आगे की एजुकेशन को देखेंगे, तभी हम आपके बच्चे को उस चैलेंज को फेस करने लायक बना पाएंगे। उसके अंदर आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, क्रिया क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर लैब्स, एजुकेशन लैंग्वेज लैब्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आजकल के बच्चे को आनी चाहिए। वी कीप टॉकिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जहां पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट मैटर करती है।
आप सिर्फ किताबें पढ़ाकर आज की जनरेशन को आगे नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए हर चीज की जरूरत है। सेंट्रल एकेडमी हर उस चीज को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, एकेडमिक्स में ओवरऑल पर्सनैलिटी बनकर निकले और आज के बाद 15 साल के बाद जो उसको जरूरतें हो उनकी पूरी की जा सके। Thank you very much to the management of Central Academy for providing all these facilities to the little ones today. Thank you very much, Chetna ma'am, for putting a lot of efforts along with your team. I congratulate each one of you for contributing. I could see the students coming on the stage, keeping the props and taking away. That's the sense of responsibility that you need to inculcate today. Because this is what is going to teach them tomorrow. Because responsibility will come only when you teach them today. So I was very, very happy that the council members, the coordinators, the PTIs, and the two wonderful anchors, you were a big support to the whole of the program. So big round of applause for the wonderful kids and the teachers. Thank you very much, ma'am. I'm honored and privileged to be a part of this wonderful function. Thanks a lot.